मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आज कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि हम अजहर भाई को टिकट दिए इसलिए आप हमें वोट दो। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अजहर भाई इससे पहले किसी को दिखे रहमतनगर में, बोराबंडा में, एर्रागड्डा में कभी किसी को दिखे इससे पहले? क्या वो जानते भी है, पहचानते भी है, कौन सी कॉलोनी है, कौन सी बस्ती है, क्या है क्या नहीं है, क्या मसाइल है जानते उन्होंने? एक बार इलेक्शन होने के बाद दिखते आपको उन्होंने? इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, अजहर भाई अगर आए एर्रागड्डा, अजहर भाई अगर आ गए बोराबंडा, अजहर भाई अगर आ गए रहमतनगर, बच्चों से क्रिकेट खिलाने लगाओ, वोट गोपीनाथ साहब को दे दो। क्रिकेट खेल लो, क्रिकेट खेल लो, कोई तकलीफ नहीं, वो दिखेंगे नहीं उन्होंने फिर से। अरे वो उत्तर प्रदेश गए थे इससे पहले मुरादाबाद, वहां हार गए, फिर मुड़के नहीं देखे मुरादाबाद की तरफ। कल यहां पे भी वही हाल होने वाला है, जुबली हिल्स में हार जाएंगे, फिर वापस एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, एक मिनट के लिए भी आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े सिनेमा स्टार, बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार से काम नहीं होता, ऐसे आम आदमी से, गोपीनाथ जैसे आम आदमी से काम होता। अगर अजहर भाई आए, दबा का क्रिकेट खेलो, दबा के क्रिकेट खेलो, लूज गेम डालो, फुल टॉस डालो, उन्हें छक्का मारेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अरे हम भी अजहरुद्दीन के फैन है भाई, हम भी अजहरुद्दीन के फैन है, जबरदस्त क्रिकेटर है उन्होंने, बट जबरदस्त क्रिकेटर है, बट जबरदस्त पॉलिटिशियन नहीं है उन्होंने, जबरदस्त खिदमत नहीं करते। जबरदस्त खिदमत करने वाले आदमी आपके मागंटी गोपीनाथ साहब है, आपके खिदमत करेंगे इनो। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, अजहर भाई वस्ते, अजहरुद्दीन साहब वस्ते प्रचारानिकि क्रिकेट आडुनरि, क्रिकेट आडुनरि, मंचिगा पिल्ललतोनि गल्लील मंचिगा जबरदस्त क्रिकेट आडिपिनरि, गानि ओट्लु मात्रं मागंटि गोपीनाथ् केयंडि, एंदुकंटे 9.5 संवत्सरालु